और अब खबर छत्तीसगढ़ के शक्ति से। यहां भी तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार कार के पलटने से लवसरा उप सरपंच समेत दो लोगों की मौत हो गई है। हादसे में चार लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। शक्ति के बारद्वार की घटना है जहां पर कार पलट गई है। हादसे में कई लोगों की मौत हुई है, घायल भी कुछ लोग बताए जा रहे हैं। लवसरा उप सरपंच के साथ ही दो और लोगों की मौत, जिसमें से एक पटवारी बताया जा रहा है। वहीं चार लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। शक्ति के बारद्वार में ये घटना घटी है, जब तेज रफ्तार कार जो है वो अचानक पलट गई। अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार कार के पलटने से यह हादसा हुआ है। नेत्राम बघेल इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नेत्राम, रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला है, हादसे की बड़ी वजह क्या तेज रफ्तार रही है, उसके साथ ही कुछ और भी वजह बताई जा रही है? जी देखिए, नए साल का जश्न है, सड़क भीषण हादसा में मातम में बदल गया। बताया जा रहा है बारद्वार थाना क्षेत्र के लवसरा से छह लोग एक कार में सवार होकर बारद्वार नए साल का जश्न मनाने गए हुए थे और नए साल का जश्न मनाकर वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान कार जो है तेज गति के कारण अनियंत्रित हो गई और कार पलटी हो गई, जिससे लवसरा उप सरपंच और पटवारी पति की मौत हो गई। वहीं चार लोग घायल हो गए। चारों घायलों का अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जी, घायलों की स्थिति इस वक्त कैसी है नेत्रा? घायलों की स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है और चारों का इलाज अस्पताल में जारी है। जी जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए, तेज रफ्तार का कहर यहाँ देखने को मिला है। जिस तरह के हमारे सहयोगी भी जानकारी दे रहे थे कि नववर्ष का जश्न मनाकर ये सभी वापस लौट रहे थे, लेकिन कार ओवर स्पीड में थी, जो कि हादसे की वजह बनी और जिसकी वजह से खुशियां अचानक से मातम में बदल गई।